सऊदी अरब का मक्का शहर इस्लाम को मानने वालों के लिए एक होली साइट है, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा पर आते हैं। दुनिया के हर कोने से सऊदी अरब के इस शहर में मुसलमान शिरकत करते हैं। हज इस्लाम के चार फर्ज में से एक है। अन्य चार के नाम हैं कलमा, रोज़ा, नमाज और ज़कात। ये दुनिया भर के मुसलमानों का महाकुंभ है, लेकिन इस बार इस महाकुंभ में 14 जून से शुरू हुई इस तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा चर्चा का विषय बन गया है। सऊदी सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कुल 1300 हज यात्रियों की गर्मी के कारण अब तक मौत हो गई है। इनमें से ज़्यादातर यानी कुल 83% मामले उनके हैं जो बिना आधिकारिक अनुमति के गैर कानूनी तरीकों से हज यात्रा पर आए थे। इस बात की पुष्टि सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री ने की है। कई देशों ने अपने देश के मरने वाले यात्रियों के आधिकारिक आंकड़ों को भी जारी किया है। इसमें भारत के कुल 98 यात्री शामिल हैं। वहीं मरने वालों में सबसे ज्यादा मिस्र के यात्री हैं, कुल 658, जिनमें से 630 बिना किसी परमिशन और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के पहुंचे थे। दरअसल हज यात्रा के दौरान पारा 50 डिग्री को भी पार कर गया, इस वजह से लोग बेहोश होकर गिरने लगे। इस यात्रा में जो श्रद्धालु कानूनी तरीकों से पहुंचते हैं उन्हें एयर कंडीशनड टेंट्स और बाकी सारी अन्य सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जो बिना परमिशन के आते हैं उन्हें धूप में ही लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिस वजह से ऐसी घटनाएँ सामने आई। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट इस पूरे मामले पर चौंकाने वाला खुलासा करती है। इसके मुताबिक कुछ पाकिस्तानी हज यात्रियों का कहना है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से गए यात्रियों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया गया है। उन्हें 800 लोगों के साथ एक कमरे में रखा गया और कई लोगों को बाथरूम के बाहर मजबूरी में सोना भी पड़ा। इनमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के कई यात्री शामिल थे। कई लोगों ने बड़ी संख्या में मौत का इल्ज़ाम सऊदी सरकार की व्यवस्थाओं पर लगाया है। इस साल लगभग 2 मिलियन श्रद्धालु हज यात्रा में शामिल हुए थे। इससे पहले साल 1985 में इतनी बड़ी संख्या में हज पर आए यात्रियों की मौत हुई थी। उस वक्त ये संख्या 1700 थी और तब भी मौत का कारण अत्यधिक गर्मी का पड़ना ही था। इस बार बिना परमिशन और डॉक्यूमेंटेशन के आने वाले श्रद्धालुओं ने हज के नाम पर चल रहे अवैध व्यवसाय पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है सऊदी सरकार की इसको लेकर बनाई गई व्यवस्थाओं पर। सऊदी सरकार के एक ऑफिशियल ने बताया कि इस बार 4 लाख के करीब यात्री ऐसे थे जिनके पास कोई भी आधिकारिक दस्तावेज या अनुमति नहीं थी। इन मौतों का असर दुनिया के कई देशों पर भी पड़ रहा है। ट्यूनीशिया, जिसके 50 नागरिक हज यात्रा में मारे गए, इसने अपने देश के रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इजिप्ट की अथॉरिटीज का कहना है कि वो ऐसी 16 कंपनीज के लाइसेंस को रद्द करेगी जिन्होंने गैर कानूनी तरीकों से तीर्थ यात्रियों को यात्रा के लिए वीजा दिया और बदले में सुविधाएं मुहैया नहीं कराई। आइए अब बात कर लेते हैं हज यात्रा के दौरान होने वाली मौतों को लेकर सऊदी अरब के कानून के बारे में। यात्रा में जाने से पहले ही हज यात्रियों को इस बात की मंजूरी देनी होती है कि अगर हज के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो उनके शरीर को उनके देश वापस नहीं भेजा जाएगा, बल्कि शरीर का अंतिम संस्कार सऊदी में ही किया जाएगा। इसके लिए अगर आखिरी वक्त में परिवार के किसी व्यक्ति ने विरोध भी किया तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये था इस पूरे मामले पर वीडियो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के और कंटेंट के लिए बने रहिए शब्द सांची के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।